झज्जर अनाज मंडी में गेहूं व सरसों की खरीद न होने से परेशान किसान सड़कों पर उतर आए और अपना विरोध प्रकट किया। गुस्साए किसानों ने झज्जर के राव तुलाराम चौक पर जाम लगा दिया। प्रदर्शन कर रहे किसान सड़क के बीचों बीच बैठ गए और वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी। सरकार से खफा किसानों ने सीएम मनोहर लाल खट्टर व सूबे के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। वहीं किसानों द्वारा लगाए जाम की वजह से गुरुग्राम व रेवाड़ी जाने वाले मार्ग पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई, जिसके कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कल दिन में 12 बजे का टाइम दिया था, 12 बजे साइड खुल जाएगी और उसके बाद ये चालू हो जाएगा, लेकिन कल भी 4-5 बजे तक 200-300 किसान उड़े बैठे रहे। आज भी सुबह 9-8 बजे 6 बजे 5 बजे सुबह पे बैठे हैं, मतलब लुगाई भी इतनी बैठी है और फिर भी जेई है इसका फैक्ट्री है जो, मतलब उसका तो जवाब कुछ अलग है। किसी की शरसम नहीं आ रही, न्यू नहीं आ रहे, हूँ खड़े हैं किसान के इतने शरसम के ट्रैक्टर पर है, किसी की पहला पड़ रही है, मतलब कोई सुनवाई नहीं है। अधिकारी परेशान कर रहे हैं, सब परेशान है, अधिकारी की भी नहीं चल रही। अधिकारी ने कल 12 बजे का टाइम दिया था, लेकिन उसके बाद भी खरीद वो टोकन बदली नहीं हुई। 600 दो महीना हो गया चल फिर ऐसे ठोकर मार है और ऑनलाइन हो रही अपने भाग क्या भाग। कौन से गांव से है? गांव रही है ओम प्रकाश ठेकेदार। कितनी सरसों है? मेरी सरसों 556 क्विंटल। 6 बजे आए थे भाई, कल 6 बजे गए हैं हटे उनसे। आज आके बोल दिया मतलब भाई ट्राली ले गाओ सरसों मार यार, क्या पड़ यार क्या लेकर दे दिए। अरे सरसों नहीं दे रहे, अरे महंगे पास निकाल लो। क्या बना जाम बदल नहीं रहा हमारे लगा है जाम, जाम किस लिए लगा? जाम भाई अभी सरसों के लिए लगाया भाई, सरसों नहीं देखती। जाम ये न्यू लाया है फर्म के नाम करवाए, बोले सोसाइटी के नाम करवाए, सोसाइटी के टोकन बदली नहीं कर रहे, इस करके जिम्मेदार काम ला रहे हैं। अधिकारी सुन रहे हैं या नहीं? सुनवाई कर रहे हैं? सुन रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही भाई। पुराने गेट हमारे नहीं बदल रहे, या सरकारी सी आ गई, जमींदार आ गई, सिटी सी करा गई, ठीक है ना? कुछ ना सर संपत्ति फैक्ट्री है का प्रमाण देगा। हमारे पुराने गेट पास नहीं बदल रहे। हां सरसों पहले डाल दीजिए, अब इनको हम नहीं बदले, इनको क्या करेंगे इनका? क्यों नहीं बदल रहे? हां पहले साइड ही चल रही हमारी, वो क्या वजह हमारी प्रॉब्लम है? अरे वो फैक्ट्री ये कह रहा है कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं, एक हफ्ता हो गया हमें, एक हफ्ता परेशान हो, ये कह रहा है हम मेरे से क्या पूछ के बोल थी तुमने सरसों? फैक्ट्री ये बोल रहे हैं जी, हमारे से के पूछ के बोल थी, ठीक है? अधिकारी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन देकर करीब आधे घंटे बाद जाम खुलवाया। समस्या है कि कह रहे कि गेट पास और सिरसू नहीं खरीद हो रही, तो कह रहे कि कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं, तो आज उन्होंने जाम भी लगाया, अभी जाम लग भी रहा है फिलहाल। सरसों की खरीद रूटीन से चल रही, कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से एफर्ट खरीद कर रही है जी, रूटीन से जी। तो कितनी क्या खरीद होगी है, क्या खरीद चल भी रही है या नहीं भी चल रही है? हाँ कल भी बोली हुई थी, अभी बच्चे इधर से बात करेंगे। तो आज क्या दिक्कत आ गई जो किसानों ने सड़कों पर बैठे? आ गई कि कल से मतलब सॉफ्टवेयर चला गया फसल काटने का, तो फिर बाद हमने कटवा दिए थे, और अभी जमींदार काफ़ी ऐसे आए हुए हैं जो सरसों लेकर नहीं आ रहे और गेट पास कटवाना चाह रहे हैं। समस्या ये किसान बोल रहे हैं कि अधिकारी चक्कर पे चक्कर कटवाते हैं लेकिन हमारी सुनते तक भी नहीं है। नहीं डेली कल से हमने गेट पास साइट खोलती गेट पास करा दी थी और रूटीन से खरीद चल रही है अखड़ के द्वारा। क्या आपका विभाग किसान सड़कों पे बैठा है, अब तक विभाग वहाँ पे पहुँचा भी नहीं है उनके पास, उनकी समस्या है? देखो हमारे तो अभी गेट पर थे लोग, हम गेट पर थे अपने मंडी में, हमने गेट पास लगाए थे लेकिन उन्होंने झगड़ा कर दिया, जो लोग सरसों लेकर नहीं आए गेट पास कटवाना चाह रहे थे। संजीत खन्ना की रिपोर्ट।